हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर राज और मिस्टर टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप जानोगे कैसे जो आप अपने रेडमी नोट 3 फ़ोन पे पोर्ट्रेट मोड का फीचर जो है ऑन कर सकते हो अपने कैमरे के लिए, वो भी बिना किसी रूट के, और कुछ इस तरह के पिक्चर जो है क्लिक कर सकते हो वो भी आप अपने फ्रंट कैमरा के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ जो आप इस वीडियो में जानोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ माफ़ी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से आपको वॉइस की क्वालिटी जो है थोड़ी सही नहीं मिल सकती है, तो इसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, अपने कैमरे में पोर्ट्रेट मोड के फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपके फ़ोन में होना चाहिए एंड्रॉयड ओरियो, यानी कि आपके फ़ोन में होना चाहिए एंड्रॉयड वर्जन 8.1, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे फ़ोन पे देख सकते हो। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो है 8.1 और मॉडल नंबर जो है रेडमी नोट 3। तो यदि आप भी अपने रेडमी नोट 3 फ़ोन पे करना चाहते हो एंड्रॉयड ऑडियो को इंस्टॉल, तो उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप वहाँ जाकर जो इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने रेडमी नोट 3 फ़ोन पे एंड्रॉयड ऑडियो जो है इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अब जो है आपको करना है एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल जिसका नाम है जी कैम और 5.1। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप वहाँ जाकर जो है इस एप्लीकेशन को करोगे इंस्टॉल अपने फ़ोन पे। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन जिसका नाम है GC Mod 5। ये एक मॉडर्न एप्लीकेशन है, आपको इसे कर लेना है अपने फ़ोन पे इंस्टॉल। और जैसे ही आपका ये फ़ोन पे आपके इंस्टॉल हो जाए, इसे करोगे आप ओपन, और उसके बाद जो भी परमिशंस मांगे जाते हैं आप उसे कर दोगे अलाउ। एंड सारे परमिशन दे देने के बाद आपको जाना है इस कैमरे के सेटिंग्स पे। तो यहाँ पर जो है आपको लेफ्ट साइड एक बटन दिख रहा है, इस बटन पर जाने के बाद आपको जाना है इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। एंड सेटिंग्स पर जाने के बाद कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर सेटिंग्स करनी है, जैसे कि इस पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है Nexus 6 Auto। तो कॉन्फ़िगर कैमरा में जाकर आपको जो है Nexus 6 Auto को जो है सेलेक्ट करना है। मॉडल नंबर जो है सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको Nexus 6P। एंड HDR पैरामीटर्स में जाके आपको डिफ़ॉल्ट ही जो है इसे छोड़ देना है। एंड नीचे आप जब देखोगे तो ये सारे जो है आपको चीज़ें वैसे ही छोड़ देनी है जैसी है। एंड इसके बाद जाना है एडवांस्ड पे, और एडवांस्ड पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें जो है आपको कर लेनी है इनेबल। तो लास्ट से आपको सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो है छोड़कर बाकी सारे चीज़ों को आप कर लोगे इनेबल। एंड उसके बाद जो है अपने बैक जो है कैमरे पे अगेन जो है आ जाओगे। एंड इसके बाद जो है आपको अपने कैमरे को कर लेना है फोर्स स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करने हैं यहाँ से आप कर लोगे क्लियर। एंड यहाँ पे होल्ड करके भी आपको ऑप्शंस मिल सकता है, और यदि नहीं मिलता तो आप जाओगे अपने सेटिंग्स पे। एंड सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन। एंड ये रहा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन, और यहाँ जाओगे आप अपने एप्लीकेशन पे GC Mod 5 पे। एंड ये रहा फोर्स स्टॉप, और इसे कर लोगे आप फोर्स स्टॉप। और अब जो है फिर से क्लियर करके आपको ओपन करना है इस एप्लीकेशन को, इस कैमरा एप्लीकेशन को। तो ये रहा हमारा GC Mod 5 का एप्लीकेशन, कैमरा एप्लीकेशन। और यहाँ आप जब देखोगे तो ये जो है आपका पोर्ट्रेट मोड जो है यहाँ पर इनेबल हो चुका है। तो ये रहा आपका पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन, और इसे कर लो गॉट इट। और अब जाके जो है अब बड़े आसानी से पोर्ट्रेट मोड के फोटोज़ जो है आप ले सकते हो अपने कैमरे के ज़रिए। और इस कैमरा एप्लीकेशन में खास बात यह है कि आप फ्रंट कैमरा से भी जो है पोर्ट्रेट मोड पे फोटोज़ ले सकते हो। जनरली देखा जाता है कि आप रियर कैम से ही जो है फ़ोटोज़ ले पाते हो पोर्ट्रेट मोड पे, लेकिन यहाँ पे जो है आप फ्रंट कैमरा से भी जो है पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी जो है क्लिक कर सकते हो। एंड कई बार इशू ऐसी भी आई है कि आप फ्रंट कैमरा से जब रेडमी नोट 3 फ़ोन से पोर्ट्रेट मोड पे फ़ोटोज़ लेते थे तो यहाँ पे जो है आपकी फ़ोटोज़ ग्रीनिश टाइप से जो है आ जाती थी, लेकिन इस कैमरा एप्लीकेशन में ऐसी कोई भी इशू नहीं है। हाँ, एक दो बार जो है ये क्रैशेस कर सकता है, लेकिन आप इसे काफ़ी अच्छा जो है एक सेल्फी जो है आप पोर्ट्रेट मोड पे ले सकते हो। एंड आखिर में आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे कुछ सैम्पल्स, जिससे कि आपको भरोसा हो सके कि रियल में आप पोर्ट्रेट मोड सेल्फी जो है कितनी अच्छी जो है क्लिक कर सकते हो अपने Redmi Note 3 फ़ोन से। आई होप कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना यार। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ गए हो और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है हमारे आप ले सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ऐसे ही आप लोग हंसते रहना और मुस्कुराते रहना, और कहते रहना भारत माता की जय।